हेलो एवरीवन, हम मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के थर्ड लेक्चर को आज शुरू कर रहे हैं। इस थर्ड लेक्चर में हमें जो डिस्कस करना है वो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था टैप रूट सिस्टम एंड फाइबरस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, फाइबरस रूट सिस्टम के अलावा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हमको डिस्कस करना है। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में हमने अब तक जो डिस्कशन किया है वो था कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में जो भी रूट डेवलप होगी वो रूट रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होती है। मतलब कि रूट रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अगर डेवलप हो रही है प्लांट के, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। मोस्टली एडवेंटिशियस रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो हमें कहाँ से दिखता है? तो एडवेंटिशियस रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो मेनली नोड्स से डेवलप करती हैं। कहाँ से डेवलप करेंगी? फ्रॉम नोड्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो क्या याद रखना आपको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में, देख लेता है। तब से मैं लिख रहा हूं, मैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो जो चीजें आप याद रखेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में वो है, सबसे पहली चीज जो हमको याद रखनी है, ये कहां से डेवलप होते हैं। तो हमें याद रखना है दे डेवलप फ्रॉम एनी प्लेस और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। तो याद रखेंगे डेवलप्स, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन वॉट? रेडिकल। तो याद रखना है रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से, किसी भी पार्ट से अगर डेवलपमेंट हो रहा है किसी रूट का, तो ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एडवेंटिशियस रूट। याद रखना है हमको एडवेंटिशियस रूट सॉइल के नीचे भी हो सकती है और सॉइल के ऊपर से भी डेवलप कर सकती है। मतलब कि कोई ऐसा फिक्स जरूरी नहीं है कि एडवेंटिशियस रूट किसी अपर पोर्शन ऑफ स्टेम से ही आए। एडवेंटिशियस रूट लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम से भी डेवलप कर सकते हैं, अंडरग्राउंड भी डेवलप कर सकते हैं, अबव ग्राउंड भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज हमको क्लियर रखनी है। क्राउलिंग, क्रीपिंग मोशन कर सकते हैं, तो हम याद रख पाएंगे एडवेंटिशियस रूट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि रेडिकल से डेवलप करते हैं ये रूट। एक और चीज, इनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हमको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मॉडिफिकेशंस। जैसे कि स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में आपने सुना होगा। कई सारे रूट ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं, मतलब फूड को स्टोर करते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट जो फूड को स्टोर करते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं फूड स्टोरिंग एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट में सबसे पहले देखेंगे स्टोरेज या स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स। स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। अब स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में हमें याद रखना पड़ेगा। स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स में कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि ट्यूबरस रूट्स आपने सुना होगा, फेसिकुलेटेड रूट आपने सुना होगा, नोडिलोस सुना होगा, मुनेलीफॉर्म रूट सुना होगा। हम बहुत और भी कई सारे मॉडिफिकेशंस हैं, पर हम बहुत लिमिटेड मॉडिफिकेशंस पे जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से जितना हमें चाहिए उतना ही हम पहले नोट डाउन करेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के या फिर यह पूरा प्लेलिस्ट के बाद में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, वो इन्फॉर्मेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसको याद बहुत अच्छे से याद नहीं करना है, रटना नहीं है, पर आपको अगर एग्जांपल्स भी याद हो जाते हैं तो काफी रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट में जो सबसे पहला नाम हमको याद रखना है वो है ट्यूबरस, ट्यूबरस रूट। कैसा रूट? ट्यूबरस रूट। और जो सेकंड हमको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वन इज फेसिकुलेटेड रूट। कौन सा? फेसिकुलेटेड रूट, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे? एक तो ट्यूबरस रूट याद रखना है, एक फेसिकुलेटेड रूट याद रखना है। दोनों में कुछ बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत आसान सा बेसिक सा फर्क है। देख लीजिए जल्दी से क्या क्या है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं एक मिनट। तो जो इनमें बेसिक सा फर्क है वो क्या है? ट्यूबरस रूट को अगर हम देखें तो मान लीजिए ये सॉइल है, इस सॉइल सरफेस के नीचे
ये रूट डेवलप कर रही है, ये रूट में बहुत सारे ब्रांचेज आ रहे हैं, अगर अगर इन ब्रांचेज में से कोई एक पार्ट, कोई भी एक रूटलेट या रूट सॉलिंग थोड़ा सा सॉलो होना स्टार्ट कर दे, या फिर थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं इसमें थोड़ा सा सॉलोन पोर्शन डेवलप हो जाए, तो ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूबरस रूट। मतलब जो कंप्लीट क्लस्टर ऑफ रूट है, इनमें से सारे के सारे रूट्स जो हैं उनमें हमें स्वेलिंग नहीं दिखानी है, स्वेलिंग किसमें होगी, किसी एक रूट में। बाकी सारे रूट जैसे नॉर्मल रूट्स होते हैं वैसे ही दिखने चाहिए, पर किसी एक में क्या मिलने वाला है आपको, थोड़ी सी स्वेलिंग दिखाई देगी, और इस सॉलोन रूट को ही हम बोलते हैं क्या, ट्यूबरस रूट। तो याद रखना, ट्यूबरस रूट में क्या होगा, आउट ऑफ अ क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ रूट ओनली वन शोज, ओनली वन विल बी स्वालोन। Only one will be swollen. तो ठीक है, याद हो जाएगा। तो tuberous root में क्या याद रखना है, out of a cluster of root only one will be swollen. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक root जो है, इसमें थोड़ी सी आपको swollen portion दिख रहा है, बाकी सारे जो roots हैं वो normal है अभी भी, उनमें कोई भी swelling हमको नहीं दिख रही है। तो इस type का जो modification है adventitious root का, इस modification को हम लोग क्या बोलते हैं, tuberous root बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट। अब ट्यूबरस रूट और फेसिकुलेटेड रूट का डिफरेंस क्या है, देख लीजिए जल्दी से। मान लीजिए ये रहा सॉइल, और यहाँ पे ये रूट डेवलप कर रहे हैं इस प्लांट में, और जो रूट में आपको ये ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये सारे ब्रांचेस अगर स्वेलिंग शो कर ले, सारे के सारे ब्रांचेस में क्या मिल जाए आपको, स्वेलिंग मिल जाए, तो ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, फेसिकुलेटेड रूट। रूट क्या बोलेंगे, फेसिकुलेटेड रूट। अब ट्यूबरस रूट में, फेसिकुलेटेड रूट में डिफरेंस कहां पर आ गया, समझ में आ गया। फेसिकुलेटेड रूट में क्या खास चीज हो गई, फेसिकुलेटेड रूट में पूरा का पूरा जो क्लस्टर ऑफ रूट है, वो सारे के सारे रूट ने, पूरे के पूरे क्लस्टर ने, हर रूट ने क्या चीज की शो की है, स्वेलिंग शो की है। मतलब कि हर रूट स्वेलिंग अगर कर रहा है, तो ऐसे रूट को क्या बोलेंगे, फेसिकुलेटेड रूट। ओके, ट्यूबरस रूट किसको बोल रहे हैं, जहां पर क्लस्टर ऑफ रूट में से कोई एक, सिर्फ कोई एक ने क्या शो की है, स्वेलिंग शो की है। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया है, ट्यूबरस रूट। ओके, तो फेसिकुलेटेड रूट में याद रखिए, ऑल द रूट्स इन अ क्लस्टर शोज स्वेलिंग, स्वेलिंग। ठीक है, तो सारे के सारे रूट्स में अगर स्वेलिंग मिल रही है आपको, तो कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूबरस रूट। अब इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमको याद रखने चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, एग्जांपल्स नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल होता है, सबने नाम सुना होगा, इसका नाम है स्वीट पोटैटो। सबने सुना है स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा इसका साइंटिफिक नेम होता है। एग्जाम्पल है स्वीट, स्वीट पोटैटो, साइंटिफिक नेम हमको याद रखना पड़ेगा। आइपोमिया बटाटा, तो याद रखेंगे स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम है आइपोमिया बटाटा, और स्वीट पोटैटो किसका एग्जांपल है, ट्यूबरस रूट का एग्जांपल है, याद हो जाएगा। अब फेसिकुलेटेड रूट के बारे में आपने सुना है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया है, और लास्ट लेक्चर में जिसके बारे में कमेंट आया था कि एस्फेरेगस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें क्या स्पेशल है, तो एस्फेरेगस में आपको याद रखना पड़ेगा फेसिकुलेटेड रूट मिलती है। कैसी रूट मिलती है, फेसिकुलेटेड रूट। तो हम अभी जो पढ़ रहे थे वो कौन सी रूट पढ़ रहे थे, फेसिकुलेटेड। इसके एग्जाम्पल में किसका नाम याद रखना है, एस्फेरेगस, लिख देता हूं एग्जाम्पल, एस्फेरेगस। और उसके अलावा, एस्फेरेगस के अलावा एक और नाम है डालिया, तो एस्फेरेगस है, डालिया है, ऐसे कई और भी पौधे मिलेंगे, कई और भी प्लांट्स मिलेंगे जिनमें ये कंडीशन मिल जाएगी, पर दो एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं, कौन कौन से, एस्फेरेगस एंड डालिया। कैसे रूट्स मिलेंगे इनमें, फेसिकुलेटेड रूट्स मिलेंगे, समझ गए। अच्छा, अभी कई और भी एग्जांपल्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, तो उनके बारे में मैं आपको एक काम करता हूँ,
इसके बारे में मैं एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। वो लिस्ट में जो भी एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हैं वो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में याद नहीं रखना है। चलिए अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट के। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट। चलिए अब जो सेकंड मॉडिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, वो है प्रॉप रूट्स। कौन से रूट्स? प्रॉप रूट्स। देखिए तो प्रॉप रूट किसका मॉडिफिकेशन है, तो आंसर अगेन वही रहेगा, ये प्रॉप रूट है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, प्रॉप रूट जो होते हैं ये एरियल रूट्स हैं। कैसे रूट है? एरियल रूट है। एक और चीज क्या याद रखेंगे, पिलर लाइक है। कैसे है ये? पिलर लाइक, दीज आर एरियल रूट, पिलर लाइक होते हैं। कोई पूछे इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या बताने वाले हैं? इनका फंक्शन होता है सपोर्ट। क्या? सपोर्ट। तो दीज आर एरियल रूट्स, पिलर लाइक होते हैं, सपोर्ट का फंक्शन कैरी आउट करते हैं। अब एक्चुअली में कैसे दिखते हैं, क्या होता है वो सुनिए जरा। आप लोगों ने फाइकस बेंगलेंसिस के बारे में सुना होगा, बनियान ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनियान ट्री। आप सबको पता है बनियान ट्री की जो कैनेपी है बहुत थिक होती है, इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, और जो ब्रांचेस हैं वो बहुत हैवी होने की वजह से कई बार क्या होता है कि वो ब्रांचेस टूट सकती हैं। तो ऐसे ब्रांचेस को टूटने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, फाइकस बेंगलेंसिस में एडवेंटिशियस रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेन ट्रंक है, ऐसा ये जो है ये मेन ट्रंक ऑफ ट्री है। ओके, इसमें ब्रांचेस का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होने वाला है? लेटरल ब्रांचेस। तो यहां पे आपको लेटरल ब्रांचेस दिखाई दे रही होंगी, ये रहे लेटरल ब्रांचेस। यहां से बनियन ट्री का नाम हटा देता हूं मैं, नीचे लिख देंगे बनियन ट्री। जो इसके रेगुलर रूट्स हैं, नॉर्मल रूट्स हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए कि सॉइल के नीचे ऑलरेडी है, सॉइल के नीचे वो रूट्स डेवलप कर रहे हैं। पर सॉइल के ऊपर वाले पोर्शन में जहां पर ये लेटरल ब्रांचेस हैं, इन लेटरल ब्रांचेस के ऊपर तो पता होना चाहिए बहुत थिक कैनेपी होगी, है ना, खूब सारा यहाँ पे लीव्स होंगे, फर्दर और भी कई सारे ब्रांचेस होंगे, है ना। तो मल्टीपल ब्रांचेस की वजह से और इतने सारे लीव्स की वजह से ये पार्ट बहुत हैवी होते जाते हैं। तो कुछ देखिए जरा, ऐसा कुछ ये ट्री जो है इसमें थिक कैनेपी है, ऐसा ऐसा हो जाएगा। इतना ज्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से ये लेटरल ब्रांचेस हैवी भी हैं, और हैवी होने की वजह से ये प्लांट या तो इस डायरेक्शन में या फिर उस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं तो बेंड कर सकता है। इसको बेंड ना करने देने के लिए यहां पे कौन से वाले रूट्स डेवलप होंगे? प्रॉप रूट्स। और कहां से डेवलप होंगे? फ्रॉम नोड्स ऑफ दीज ब्रांचेस। तो इन ब्रांचेस से डेवलपमेंट होता है कुछ रूट्स का। देखिए एक बार, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करते हैं कुछ रूट्स, और वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करके सॉइल में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं अपन लोग, लेटरल ब्रांचेस से फाइकस बेंगलेंसिस में बनियन ट्री में कुछ प्रॉप रूट्स निकलते हैं जो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, और वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करके कहां पर एंटर करेंगे? सॉइल के अंदर एंटर करेंगे। यहां ब्रांचेस से, इन ब्रांचेस से भी सेम कंडीशन आएगी, यहां से भी वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करेंगे कौन? प्रॉप रूट्स। किसकी बात हो रही है? बनियन ट्री की बात हो रही है। तो बनियन ट्री में वर्टिकली डाउनवर्ड रूट्स ग्रो करते हैं और सॉइल में एंटर करते हैं, और इस कंडीशन से क्या होगा, इन ब्रांचेस को, इन लेटरल ब्रांचेस को सपोर्ट मिलेगा, और जो मेन ट्रंक है उसको भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अभी पूरी कैनेपी का या बोलो पूरे प्लांट के सारे ब्रांचेस एंड लीव्स एंड सारे पार्ट्स का जो वेट था वो एक्चुअली कौन बियर कर रहा था, जो सारा का सारा वेट था वो किस पे आ रहा था? इस मेन ट्रंक पे। अब इस मेन ट्रंक पे वो सारा का सारा वेट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे लेटरल ब्रांचेस ने क्या चीज डेवलप की? प्रॉप रूट। और वो प्रॉप रूट एक्चुअली पिलर लाइक होती है, और ये पिलर लाइक प्रॉप रूट क्या करेंगे, ये सॉइल के अंदर अटैच हो जाएंगे और इन ब्रांचेस को सपोर्ट कर लेंगे। तो एटलीस्ट क्या होगा, इस मेन ट्रंक को इन ब्रांचेस का लोड तो नहीं उठाना पड़ेगा ना। तो फाइनली प्रॉप रूट का फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे? सपोर्ट करना हो गया, याद हो जाएगा। तो प्रॉप रूट जो होते हैं पिलर लाइक रूट्स होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमने बताई दिया, एग्जाम्पल कौन है? बनियन ट्री। बनियन ट्री का साइंटिफिक नेम हमको याद रखना पड़ेगा। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? फाइकस, फाइकस बेंगलेंसिस,
फाइकस बेंगलेंसिस। तो याद रखेंगे बेनियन ट्री जो होता है, बेनियन ट्री का साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगलेंसिस, और इसमें रूट कौन से मिलते हैं, तो आंसर इज प्रॉप रूट्स। कौन से रूट? प्रॉप रूट। ओके, और प्रॉप रूट जो है वो किस, कौन से टाइप के रूट्स में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, फाइबरस रूट में, टैप रूट में, कि एडवेंटिशियस रूट में? तो आंसर इज एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। तो अब तक हमने एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में सबसे पहला क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं वो फूड का स्टोरेज कर सकते हैं। उसके एग्जांपल्स में दो एग्जांपल्स हमने मेनली लिए हैं, एक तो हमने लिया था ट्यूबरस रूट, एक लिया था फेसिकुलेटेड रूट। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि प्रॉप रूट जो होता है ये भी एक एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, एंड दे आर दीज आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर सपोर्ट। और तो ये पिलर लाइक हैं, एरियल रूट्स हैं, फाइकस बेंगलेंसिस इसका एग्जांपल है, ये हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्टिल्ट रूट। कौन सा रूट? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, चलिए स्टिल्ट रूट जो है ये भी एक मॉडिफिकेशन है। किस रूट का मॉडिफिकेशन है, तो हमें बताना है एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। अब हमें क्या याद रखना है, स्टेम का जो बेस वाला नोड है, ठीक है, स्टेम का सॉइल के पास वाला जो पोर्शन है, स्टेम का वो पोर्शन जो सॉइल के पास है, वहां पे जो सबसे पहले दो तीन नोड आपको मिलेंगे ना, उन दो तीन नोड से कुछ थिक रूट्स अराइज होते हैं और जाके कहां पर ऐड हो जाते हैं, सॉइल में। ये करेंगे क्या, और एक और चीज, ऑब्लिकली एंटर करते हैं। कैसे एंटर करते हैं? ऑब्लिकली। तो देखिए स्टिल्ट रूट वाली कंडीशन देख लेते हैं कैसी होती है। मोस्टली ये कंडीशन आपने शुगर केन में ऑब्जर्व की होगी। तो मान लीजिए एक शुगर केन है, यहाँ पर सॉइल है, आपको पता है शुगर केन में ऐसे सेगमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। जो सेगमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं उन सेगमेंट में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। इस पोर्शन को भी क्या बोलते हैं हम लोग? नोड। और स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, यहाँ पे अल्टरनेट नोड और इंटरनोड मिलते हैं हमको। तो याद रखिएगा यहाँ पे नोड है, फिर आएगा इंटरनोड, और फिर से आएगा कौन? नोड। तो देखिए जरा, ये है इंटर नोड, ठीक है। तो नोड मिल गया, एक और नोड मिल गया, और ये है बेसल नोड, मतलब कि बेस के सबसे पास वाली जो नोड है, ये इस नोड से डेवलप करते हैं कुछ क्लस्टर ऑफ रूट्स, और ये क्लस्टर ऑफ रूट्स सॉइल में ऑब्लिकली एंटर करते हैं। कैसे एंटर करते हैं? ऑब्लिकली। तो ये जो एंट्री हम दिखा रहे हैं इनकी रूट्स की, ये एंट्री कैसी है? ऑब्लिक एंट्री है। तो कई रूट्स निकलेंगे, ऑब्लिकली एंटर करेंगे इनटू द सॉइल। देखिए क्लस्टर ऑफ लीव्स, सॉरी क्लस्टर ऑफ रूट्स एंटरिंग इनटू द सॉइल ऑब्लिकली, दीज रूट्स आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट्स। क्या रूट? कौन से रूट्स हैं ये? स्टिल्ट रूट। तो याद रखना पड़ेगा, बेस नोड है बेसल नोड, दिस इज बेसल नोड। बेसल नोड से कौन से वाले रूट डेवलप किए हैं, कौन से एडवेंटिशियस रूट डेवलप किए हैं? तो आंसर इज स्टिल्ट रूट। कौन से रूट? स्टिल्ट रूट। ओके, एंटर कैसे किए हैं, तो हमको याद रखना पड़ेगा इनकी एंट्री कैसी है? ऑब्लिक। तो बस ये दो चार पॉइंट है जो आपको याद रखने होते हैं। तो स्टिल्ट रूट के बारे में क्या याद रखेंगे, स्टिल्ट रूट जो है इसमें जो बेसल नोड होता है, इस बेसल नोड से क्लस्टर ऑफ रूट्स आते हैं, और ये क्लस्टर ऑफ रूट ऑब्लिकली एंटर करते हैं सॉइल में, और इन रूट्स को हम लोग बोलते क्या है? स्टिल्ट रूट। अब आप सबको अगर याद हो, अगर आपको याद है तो मैं यहाँ एक टर्म लिखने वाला हूँ, एक टर्म नहीं है, एक एग्जाम्पल है वो लिखने वाला हूँ। उस एग्जाम्पल के बारे में हमने कोई चीज़ डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोज़ में, आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख के दीजिए कि इसमें क्या स्पेशल हमने पढ़ा था। तो नाम है, एग्जांपल है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक तो आपको पता चली गया है शुगर कीन, शुगर कीन पता चल चुका है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज शुगर कीन, इनका साइंटिफिक नेम हमको पता होना चाहिए, इनका साइंटिफिक नेम होता है सैकेरम, क्या सैकेरम जीनस, एक्चुअली सैकेरम ऑफ्सिनरम, सैकेरम बारबेरी, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जीन स्पीशीज बहुत सारे हो सकते हैं, आपको एटलीस्ट सैकेरम जीनस तो याद रहना चाहिए। ओके सैकेरम, ओके तो सैकेरम स्पीशी लिख देता हूं मैं, स्पीशीज में मल्टीपल हो सकती है। तो सैकेरम स्पीशीज मतलब किसकी स्पीशीज है? शुगर केन की स्पीशीज है। ओके नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल तुम्हें पता होगा, मेज। कौन? मेज।
मेज का साइंटिफिक नेम याद है आप लोगों को, जिया मेज होता है, जिया मेज, क्या जिया मेज याद रख पाएंगे? उसके अलावा आपने ज्वार सुना है, ज्वार, ज्वार सुना है, सॉर्गम बोलते हैं, सॉर्गम नहीं, ज्वार, सॉर्गम, क्या सॉर्गम, सॉर्गम के अलावा जो लास्ट नाम मैं यहां लिख रहा हूं इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है, और इसके बारे में मैंने आपको जो डिटेल बताई थी वो डिटेल क्या थी। ओके, इसका नाम है स्क्रूपाइन या फिर पेंडेनस, स्क्रूपाइन या फिर बोलते हैं पेंडेनस। अगर आपको इसके बारे में वो पॉइंट याद है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है तो कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करके बताइए कि क्या बताया था मैंने आपको पेंडेनस के बारे में। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है क्लिंगिंग रूट। तो आपके इनके एग्जाम्पल्स में याद रखना पड़ेगा क्लिंगिंग रूट्स, क्लिंगिंग रूट्स, क्लिंगिंग रूट जो है इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोथोस। क्या पोथोस, पोथोस होता है मनी प्लांट, सबने सुना है, कई लोगों के घरों पे भी लगा होगा। तो पोथोस जो है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसके स्टेम में से छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर जाते हैं, वो छोटे छोटे रूट्स कुछ इस टाइप से, जैसे कि अगर हम देखें तो मनी प्लांट की जो बेल है इसमें मान लीजिए ये 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 उसके पत्ते आ रहे हैं, मनी प्लांट में लीव्स आ रही हैं। ओके, अब ऑब्जर्व करेंगे यहां पे जगह जगह नोड से, कई सारे नोड से छोटे छोटे ऐसे ऐसे रूट्स का डेवलपमेंट होने लगता है, छोटे छोटे रूट्स का डेवलपमेंट होने लगता है, और ये जो रूट्स यहां पे डेवलप हो रहे हैं इन रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिंगिंग रूट्स। क्या क्लिंगिंग रूट्स, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं जो आसपास का सरफेस है उससे अटैचमेंट प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट को। तो मनी प्लांट जो तुम्हें पता है एक एक करके किसी ना किसी प्लांट के या फिर किसी ना किसी ग्रेन या फिर किसी और सराउंडिंग पार्ट के ऊपर क्लाइम कर सकते हैं, तो क्लाइम करने में उनको जिस रूट की हेल्प लगती है वो रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिंगिंग रूट। किसमें मिलेगी, पोथोस में। पोथोस कौन है, मनी प्लांट। इनके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इन रूट्स के जो जो हमने अभी पढ़े हैं इनके स्ट्रक्चर्स में आपको बीच बीच में शो करता रहूंगा तो वो भी देखते रहिए। ओके, चलिए तो अब देखिए याद रखना है हमको, क्या याद रखना है, क्लिंगिंग रूट जो है, क्लिंगिंग रूट का एग्जांपल क्या है, क्लिंगिंग रूट का एग्जांपल है पोथोस, पोथोस इज मनी प्लांट। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टोरियल रूट्स। कौन से रूट्स, हॉस्टोरियल। जो हॉस्टोरियल रूट्स हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉस्टोरियल रूट्स से आपने सुन के ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी होस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। होस्ट और पैरासाइट का रिलेशन आपको मालूम है, जो होस्ट होता है उसके ऊपर पैरासाइट डिपेंडेंट होता है फॉर इट्स फूड। तो पैरासाइट जिस पर डिपेंडेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, और हॉस्टोरियल रूट का भी कुछ इस तरीके का ही काम है। ओके, ये रूट्स जो होते हैं हॉस्टोरियल रूट, ये अपने होस्ट में, ये पैरासाइट के रूट्स हैं जो अपने जो होस्ट के बॉडी में या बोलो प्लांट बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं, पेनिट्रेट करने लगते हैं इनसाइड द होस्ट प्लांट, और वहां से फिर क्या लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। तो ऐसे रूट्स, ऐसे पैरासाइट के, पैरासाइटिक प्लांट के ऐसे रूट्स जो होस्ट प्लांट की बॉडी में एंटर करें और वहां से न्यूट्रिएंट ले लें, ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियल रूट्स। और इसका नाम हमने इसलिए बोला है क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कसकटा, कौन, कसकटा और विस्कम। तो हमको इनके बारे में याद रखना है, कौन से वाले रूट्स हैं, हॉस्टोरियल रूट्स। तो हॉस्टोरियल रूट्स जो हैं इनके बारे में क्या याद रखेंगे, तो हमें इनके बारे में याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो रूट्स हैं वो के कहा, ये वाले जो रूट्स हैं वो कहां पर मिलने वाले हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स में मिलने वाले हैं। ओके, पैरासाइटिक प्लांट्स में मिलने वाले हैं, और या फिर आप इनको बोल सकते हो पैरासाइटिक रूट्स, या फिर बोल तक सकते हो सकिंग, सकिंग रूट्स, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को सक कर लेते हैं फ्रॉम होस्ट, तो होस्ट से न्यूट्रिएंट को सक कर लेते हैं इसलिए इनको क्या बोल दिया, सकिंग रूट्स। और पैरासाइट के रूट्स हैं इसलिए क्या बोल दिया, पैरासाइटिक रूट्स। सेकंड चीज जो इनके बारे में हम याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे, कि ये जो रूट है ये पेनिट्रेट करते हैं, दीज रूट्स पेनिट्रेट,
पेनिट्रेट इनसाइड इनसाइड द होस्ट बॉडी टू डिराइव न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करने के लिए ये जो रूट्स हैं होस्टोरियल रूट्स या फिर पैरासाइटिक रूट्स या फिर सकिंग रूट्स ये पेनिट्रेट करते हैं होस्ट बॉडी के अंदर टू डिराइव न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। ओके, इसके एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने नाम सुना होगा कसकटा, एग्जाम्पल है कसकटा रिफ्लेक्सा भी सुना होगा, स्पीशीज की है कसकटा रिफ्लेक्सा कसकटा, और इसका एक और नाम होता है जो बाकी लोगों ने कई लोगों ने सुना होगा देवदार बोलते हैं इसको, क्या देवदार या डोडर प्लांट भी बोलते हैं, डोडर प्लांट देवदार बोलते हैं कुछ लोग, कुछ लोग डोडर बोलते हैं, तो देवदार प्लांट या फिर डोडर प्लांट जो है इसी का नाम क्या है कसकटा। सेकेंड जो आपको याद रखना है वो है विस्कम, क्या नाम है विस्कम, तो विस्कम के पास में पैरासाइटिक रूट प्रेजेंट है, साथ साथ में कसकटा के पास में भी पैरासाइटिक रूट प्रेजेंट है। पैरासाइटिक रूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सकिंग रूट या फिर होस्टोरियल रूट, सकिंग रूट बोल सकते हैं नहीं तो होस्टोरियल रूट्स बोल सकते हैं, तो हम याद कर पाएंगे क्या। ओके, अब जब हम नेक्स्ट के बारे में नेक्स्ट कैटेगरी पर आ जाते हैं एपीफाइटिक रूट, हम सब ने इसका डिस्कशन पहले भी कभी किया है, पैरासाइटिक रूट जो थे उन्हें होस्टोरियल बोल दिया है। अब जो नेक्स्ट रूट है वो कौन से वाले हैं, वो रूट है एपीफाइटिक रूट। एपीफाइट्स के बारे में हम सब जानते हैं, एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। आपको पता है कई रीजन्स ऐसे होते हैं या कई डेंस फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहां पर प्लांट्स की कैनेपी इतनी थिक होती है कि जो प्लांट छोटे हैं और बेस पे प्रेजेंट हैं उन प्लांट्स तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रीज हैं लार्ज ट्रीज हैं उनके लीव्स और उनकी जो कैनपी है वो कंप्लीटली कवर कर लेती है अपर एरिया को, तो अपर एरिया अगर कंप्लीटली कवर हो जाएगा तो सनलाइट पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगी और ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो जो छोटे पौधे ग्राउंड पे लगे हुए हैं उनको सनलाइट प्रॉपरली मिलेगी नहीं। तो ऐसे रीजन्स में आपको कौन से वाले प्लांट्स मिलने लगते हैं, ऐसे रीजन में हमको मिलते हैं एपीफाइटिक प्लांट। और एपीफाइटिक प्लांट की मैं खासियत क्या होती है, ये प्लांट्स टॉल ट्रीज के ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं, जिससे कि क्या होगा अगर सनलाइट नीचे तक नहीं आ सकती तो एटलीस्ट ये प्लांट ऊपर ग्रो हो रहे हैं तो इनको सनलाइट मिल जाएगी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो सबने सुना होगा, एग्जाम्पल का नाम है वेंडा, वेंडा इज ऑर्चिड्स, सबने सुना, उसके फ्लावर देखे होंगे आप लोगों ने मार्केट में मिलते हैं ऑर्चिड्स। ओके, तो देखिए जल्दी शुरुआत करते हैं, तो नेक्स्ट रूट कौन सी वाली हम पढ़ रहे हैं, एपीफाइटिक रूट, एपीफाइटिक रूट्स। और ये चीज मत भूलिएगा, जो भी मॉडिफिकेशन आप अभी पढ़ रहे हो सारे मॉडिफिकेशन एक्चुअली में है किसके, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन है ये सारे के सारे। ओके, इनको हैंगिंग रूट्स भी बोल सकते हो, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एपीफाइटिक रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हैंगिंग हैंगिंग रूट्स, ठीक है। और एक और चीज याद रखना है, हैंगिंग रूट्स के पास में स्पेशल टिश्यू होता है, कौन सा वाला टिश्यू, वेलमिन, कौन सा टिश्यू है, वेलमिन टिश्यू। और वेलमिन टिश्यू की खासियत क्या होती है, इट कैन दैट इट कैन एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एटमॉस्फियरिक वाटर मॉइस्चर, याद रखना एटमॉस्फियर में जो भी मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है किसके पास में, वेलमिन टिश्यू के पास में। किसके पास में मिलता है ये वेलमिन टिश्यू, तो आंसर इज एपीफाइटिक प्लांट्स या फिर बोल सकते हो हैंगिंग रूट्स कंटेनिंग प्लांट्स। ओके, इसका एग्जाम्पल में कौन आएगा, वेंडा, एग्जाम्पल इज वेंडा, वेंडा होते हैं ऑर्किड्स या ऑर्चिड्स, कुछ लोग ऑर्किड्स बोलते हैं ऑर्चिड्स भी बोल सकते हो, तो ऑर्चिड्स या फिर वेंडा जो होते हैं इनके पास में वेलमिन टिश्यू, और जो वेलमिन टिश्यू है उसका फंक्शन क्या होता है, तो वेलमिन टिश्यू का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट। एज वी ऑल नो ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं कहाँ पर, एरियल पार्ट पे, मतलब कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ब्रांचेस पे, तो ऑब्वियसली इनके रूट सॉइल तक तो पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो इनके रूट अगर सॉइल तक नहीं पहुँच पाएंगे तो ये वाटर कहाँ से लेंगे,
तो ये वाटर लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है, उसको ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास रूट में क्या मिलेगा, वेलमेंट टिश्यू मिलेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। अब हम एक और चीज़ याद रखनी है, हमने पहले ही डिस्कस किया है एसिमिलेटरी रूट के बारे में। देखिए रूट का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि रूट होती है नॉन ग्रीन। कैसी होती है रूट्स? नॉन ग्रीन। पर कुछ रूट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं अगेन एक क्वेश्चन आपकी तरफ छोड़ रहा हूं। एसिमिलेटरी रूट या फिर फोटोसिंथेटिक ग्रीन रूट्स, ग्रीन रूट्स किसके पास प्रेजेंट है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको लिखना है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर करेक्ट आता है। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे स्टेम के बारे में डिस्कशन करने के लिए। ओके, तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया मोर्फोलॉजी में, वो हमने किया है रूट सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन। रूट सिस्टम का डिस्कशन काफी था, कंप्लीट हो चुका है। अब जो डिस्कशन हमें करना है वो है स्टेम का डिस्कशन, एंड स्टेम के ऊपर जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी पार्ट्स मिलते हैं, उनका डिस्कशन। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर्स दें। कोई क्वेश्चन या कोई डाउट अगर आपको आता है तो वो भी आप कमेंट में नोट डाउन कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको वीडियो जैसे जैसे आते जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। थैंक यू सो मच।